कुछ शुरुआत में मेहमानों से आग्रह है कि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए लेकर जाएंगे। प्लीज मैं आप दोनों ही टीमों के टीम मैनेजर से आग्रह करता हूँ कि चूंकि आप दोनों ही टीमों का शानदार मुकाबला चलता होगा। जजेस अभी आ रहे हैं, मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि गत वर्ष की उपविजेता टीम एफसी येलो एंड ब्लू रंग के कॉम्बिनेशन में क्या इस वर्ष ग्लूबो एफसी का बड़ा पार करने में सक्षम हो सकती है गुवाहाटी एफसी की टीम। वो कुछ ही क्षणों के बाद में तमाम दर्शकगणों को देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार कोशिश की गई थी लेकिन उतना ही शानदार जबरदस्त तौर पर बेहतरीन बचाव कुल आदर्श सिंह के गोल के ऊपर। मैं तमाम दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं जो अभी अभी आए हैं। जैसे का सारा देशी नहीं बल्कि विदेशी फ्रेंड्स रंग के कॉम्बिनेशन में वो टीम है कोलाद एफसी। क्या इस वर्ष एफसी कोलाद कर पाती है बड़ा पार कोलंबिया एफसी की टीम का। Thank you.
जो भी दर्शक अपने वाहन को सड़क पर पार्क किए हैं आप अपने वाहन को हटा लेंगे, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि ये सड़क में काफ़ी अवगमन होती है गाड़ी की, और आप सड़क में वाहन लगाते हैं तो काफ़ी परेशानियां होती हैं। आप अपने सड़क से वाहन को हटा लेंगे और हमारे कमेटी के मेम्बर्स जा रहे हैं, आप नहीं हटाते हैं दो मिनट के अंदर तो आपके वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। वॉलंटियर्स आप लोग अगर सड़क पर जाएंगे कहाँ रे देखे
Thank you.
बहुत ही शानदार गेम की टीम ओलंपिया जर्सी नंबर 14 के द्वारा शानदार गोल किया गया। दो आपका गाड़ी के सामने रखा बनाता है रे। अपनी टीम को दो मैदान के बीच गाड़ी को आने में साइड कर साइड हो जाएंगे। बहुत ही शानदार कोशिश की गई थी मिस्टर राजू हंस का जो है Thank you.
रेफरी की अंतिम विशेष बजती हुई और इस मैच को जैसे कि मैं तमाम दर्शकों को पहले ही बतलाया था कि कप ट्रस्ट की उप विजेता टीम एफसी इस मैच फिर से फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं जर्सी नंबर 13 मिस्टर सुमित राव।